हेलो माय नीट फाइटर्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीवन डूइंग ग्रेट देयर। सो आज के सेशन में करने वाले हैं PYQs ऑन इंपल्स, राइट? सो इसकी इंपल्स होता क्या है, चेंज इन मोमेंटम होता क्या है, ऑलरेडी आई हैव टॉट यू वेरी नाइसली वेरी ब्रीफ इन द प्रीवियस सेशन। सो सेशन को जाके जरूर देखना ताकि इंपल्स के बारे में पता चले आपको, मोमेंटम क्या होता है उसके बारे में पता चले, बेसिकली ओवरव्यू आप लोग को पता चल जाए कि लॉज ऑफ मोशन क्या है, ठीक है? सो जो लोग यहाँ पे न्यू है, डेफिनेटली एक बार जरूर उसको प्रीवियस सेशन को वॉच करना, पूरी प्लेलिस्ट दे दी गई है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। आज भी मैं क्या करने वाली हूँ, कुछ टॉपिक्स को लेके, नॉट कुछ टॉपिक, इंपल्स एंड मोमेंटम को लेके डेफिनेटली मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगी और उस पर कुछ PYQs सॉल्व करेंगे। एंड डू रिमेंबर एवरीवन दैट इंपल्स पे, चेंज इन मोमेंटम पे बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं। सो मेक श्योर कि अब जब ऐसे क्वेश्चन लगाते हो तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो दैट यू शुड नो, राइट? Anyway, so let's begin the session. And session शुरू करने से पहले I would like to request each and everyone को, आपको करना क्या है? You need to like, share and subscribe the channel. So let's begin the session. So बच्चों, मैंने session में बताया क्या था आपको कि impulse होता क्या है? So impulse का सबसे बढ़िया example है, impulse का, that is badminton खेलना, ठीक है? So basically, sorry, not badminton, tennis. टेनिस, ओके? टेनिस में क्या होता है, बेसिकली द बॉल जैसे ही आता है हम उसको जोर से हिट करते हैं। सो व्हेन वी आर हिटिंग दैट, दैट मींस बहुत कम टाइम में, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं एंड दैट्स व्हाट वी कॉल्ड इंपल्स, राइट? इसका डेफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं बच्चों। तो डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर वेरी स्मॉल टाइम। मैंने कुछ अलग नहीं बताया है आपको, ठीक है? वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, देन प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स फॉर दैट टाइम एंड द टाइम इटसेल्फ इज कॉल्ड इंपल्स, राइट? सो आई होप किसी को दिक्कत नहीं है। सो इंपल्स की डिफिनेशन, इंपल्स का फॉर्मूला आप कैसे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस, दैट इज इंपल्स इक्वल्स टू, दैट इज डेल्टा एफ डॉट टी, राइट? इसमें तो दिक्कत किसी को नहीं है, मतलब आप कैसे लिख सकते हो, इंपल्स इक्वल्स टू एवरेज एवरेज फोर्स इनटू टाइम, राइट? एवरेज फोर्स इनटू टाइम, ठीक है? अब ये बात हो गई। अब इंपल्स क्या होता है, इंपल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम। सो इंपल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम, सो आई कैन राइट नो दैट मींस चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, ठीक है? सो अगर मैं लिखती हूं इंटीग्रेशन फॉर्म में, इंटीग्रल फॉर्म में इंपल्स को, सो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी टी, राइट? और एफ डॉट डी टी क्या है, इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। सो एफ डॉट डी टी बेसिकली किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, दैट इज द एरिया अंडर एफ क्यू एफ टी कर्व। एरिया अंडर, इधर लिख सकते हो आप, एरिया अंडर एफ टी कर्व, राइट? सो आई होप किसी को दिक्कत नहीं है कि एग्जैक्टली इंपल्स क्या है। सो इंपल्स होता क्या है, दैट इज लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी फॉर वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, राइट एवरीवन, ठीक है? सो द फॉर्मूला भी आपके पास है, फॉर्मूला है क्या, दैट इज डेल्टा एफ डॉट टी, और डेल्टा इंपल्स इक्वल्स टू, हमेशा याद रखो, इंपल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है? इंपल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, सो दैट मींस दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट टी इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम ऐसे ही लिखोगे, राइट? व्हाट डज मीन ऑफ डेल्टा, डेल्टा दैट मींस चेंज इन समथिंग, चेंज इन समथिंग, राइट बच्चो? ओके, सो आई होप किसी को अब तक दिक्कत नहीं है कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, इंपल्स क्या होता है। सो लेट्स टेक फ्यू एग्जाम्पल्स हियर, ठीक है? सो चलो एग्जाम्पल करते हैं। अब देखो, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि, अब देखो,
आपको अगर इम्पर्सना निकालने आया ना बच्चों, तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली यू नो चेंज इन मोमेंटम फाइंड कर लो, और चेंज इन मोमेंटम आ गया तो मतलब आपका इम्पल्स आ गया, वही तो है राइट। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज अ बोर्ड ऑफ सॉरी अ बॉडी ऑफ मास m हिट्स नॉर्मली अ रिजिड वॉल विथ वेलोसिटी v एंड bounces बैक विद द सेम वेलोसिटी, ठीक है, bounces बैक विद द सेम वेलोसिटी। लेट्स से कि यहाँ पे जो मेरा क्या है, एक वॉल है, ठीक है, ये वॉल है, और अब क्या आ रहा है कि कोई बॉल, बेसिकली कोई बॉल है जिसका मास m है, इससे क्या कर रहा है, हिट कर रहा है विद द वेलोसिटी v, और उसी वेलोसिटी से वो क्या हो रहा है, वापस आ रहा है, ठीक है, उसी वेलोसिटी से अब वापस आ रहा है, मतलब नो लॉस्ट इन एनर्जी, एनर्जी कंजर्व्ड है राइट, उसी वेलोसिटी से, मतलब क्या हो रहा है, मोमेंटम इस साइड, ठीक है, मोमेंटम यहाँ पे दैट इज एम वी, ठीक है, और फिर यहाँ पे आ रहा है दैट इज एम वी। अब आपको डिसाइड करना है कि डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन, सो इस यहां से गया, सो मतलब चेंज इन मोमेंटम हो रहा है ना, तो चेंज इन मोमेंटम मतलब पहली बात तो हमें फाइंड करना है इम्पल्स, और इम्पल्स हमें नहीं पता, हमें नहीं आता इम्पल्स, करना ही नहीं है, हम क्या करेंगे, मोमेंटम फाइंड करेंगे, और मोमेंटम ही आ जाएगा हमारा इम्पल्स राइट। तो हम मोमेंटम क्या कर रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम दैट इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल राइट। अब पी फाइनल क्या है अपना, पी फाइनल तो अपना क्या है, माइनस, आई मीन उल्टा आ रहा है ना, माइनस, तो हम क्या कर लेंगे, दैट इज माइनस एम वी, पी इनिशियल माइनस, आई मीन माइनस एंड पॉजिटिव एम वी, तो हो गया माइनस टू एम वी, ठीक है। अब देखो अब माइनस टू एम वी है, सो अपना इक्वेशन आ गया, अपना करेक्ट आंसर क्या आ गया, सी। अब यहाँ पे देखो इसमें माइनस प्लस नहीं दिया है, तो वो अपने अकॉर्डिंग शायद कुछ अलग ले रहे हों, डायरेक्शन कुछ और ले रहे हैं, अगर डायरेक्शन हम अलग लेंगे तो हमारा 2 mv आएगा, सो ऑप्शन है सी, ठीक है, दैट इज सी। उन्होंने शायद क्या कर लिया कि पहले क्या हो रहा है, यहां से जा रहा है, फिर वहां से वापस आ रहा है, कुछ अलग डायरेक्शन ले लिया होगा, तो वो डिपेंड करता है कि वो किस डायरेक्शन पे लेंगे, बेसिकली माइनस और प्लस तो आएगा डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन, बट आपको यू नो मैग्नीट्यूड दैट इज 2 mv है, तो दिस इज द फिक्स 2 mv ही आने वाला है। सो आई होप बच्चों किसी को कोई भी डाउट इसमें नहीं आया होगा, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल न्यूमेरिकल है, ठीक है, आपको बस सिंपली कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, फॉर्मूला को अप्लाई करना है और आंसर को लेना है, ठीक है। चलो इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कोलिजन ऑफ अ बॉल विथ वॉल, ठीक है, कोलिजन ऑफ अ बॉल विथ वॉल, क्या बात है, ठीक है, बढ़िया सी ना बन रही है ना, कोलिजन ऑफ अ बॉल विथ वॉल। तो अब इसमें क्या होता है, इनिशियली बेसिकली ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसमें इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम सेम होता है हमेशा से, कि जिस वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पे है ना, जिस वेलोसिटी से जा रहा है उसी वेलोसिटी से बाहर आ रहा है, ठीक है, तो इस पे ही बेस्ड बोर्ड हर बार क्वेश्चन पूछता है, आज तक वेलोसिटी कभी चेंज नहीं हुई है, ठीक है। तो ये है थीटा, अगर यहाँ पे कहीं बनता है तो ये हो जाएगा अल्फा, ठीक है, यहाँ पे कहीं अगर एंगल क्रिएट कर रहा है तो हो जाएगा अल्फा। तो आज तक बोर्ड ने जितने भी बच्चों क्वेश्चन पूछा है ना, उसमें वेलोसिटी सेम है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला कैसे आप अप्लाई करोगे, अब देखो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम तो हो रहा है ना, बॉल यहाँ पे हिट करा वापस आया, तो चेंज इन मोमेंटम कैसे लिखोगे बेसिकली यहाँ पे, सो चेंज इन मोमेंटम, ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, कि जब क्या हो ऐसा कोलिजन विथ वॉल वाला आए क्वेश्चन, और हर बार क्वेश्चन आता है, डू रिमेम्बर हर बार क्वेश्चन यहाँ पर आता है, तो चेंज इन मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा पी। अब डेल्टा पी को आप किस तरीके से लिखोगे, ठीक है, डेल्टा पी को, तो अब देखो यहाँ पे एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू वॉल, विथ रेस्पेक्ट टू यू नो दोनों बॉल, ठीक है, तो अब बेसिकली क्या हो रहा है, सो चेंज इन मोमेंटम 2 mv sin थीटा, ठीक है, sin थीटा,
ये पहला आ गया, ये हमेशा ये फॉर्मूला आपने क्या करना है, रट लेना है। ठीक है, कुछ फॉर्मूला ऐसे होते हैं ना जो आपको याद होने बहुत जरूरी है। अब थीटा क्या है, थीटा दैट इज एंगल विथ वॉल। ठीक है, थीटा है एंगल विथ वॉल। ठीक है, ये होगी बात। अब देखो, अब जब ये देखो ये इतना आ गया, अब अगर इस एंगल की बात हो रही है तो क्या कर लोगे, बस अल्फा लगा दोगे। सो चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू 2mv साइन अल्फा। सो ये फॉर्मूला आपको बेसिकली याद होना चाहिए। सो आई होप किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि एग्जैक्टली तो डायरेक्टली आपको पहला, तो पहला ऐसा अगर आया ना, केस 1 2 इस तरीके से होता है। ठीक है, सो केस 1 में क्या है, क्वेश्चन आया, ठीक है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला को लगा दो, ठीक है, अपना आंसर ले लो। और केस 2 है, उसमें आप बेसिकली क्या करो, फाइनल मोमेंटम फाइंड करो, इनिशियल मोमेंटम फाइंड करो, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा। सो बेसिकली हम तो क्या करेंगे, जो अपना पहला यू नो सबसे इजिएस्ट मेथड है कि डायरेक्टली फॉर्मूला को अप्लाई करो और आंसर मिले, वही करेंगे, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप किसी को दिक्कत नहीं हुई है, ठीक है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है डेफिनेटली चैट बॉक्स में डाल देना ताकि हम उसके आंसर्स कर पाए। और याद रखना, थ्रू दिस प्रोसेस नो एनर्जी लॉस्ट। ठीक है, नो एनर्जी लॉस्ट, ठीक है, इतना जरूर आप याद रखना। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों, कि क्वेश्चन क्या है। देखो, द क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द बॉल ऑन द इम्पार्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉल विल बी। देखो ये क्वेश्चन आया है नीट 2016। अब देखो ये क्वेश्चन दे दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको वैल्यू डालनी है, सॉरी फॉर्मूला डालना है, वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेशन करना है और आंसर। अगर इतने पे भी आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो तो नो वन कैन हेल्प यू हियर। ठीक है, तो पहले अगर इतना भी सिली मिस्टेक्स कर रहे हो तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो एंड लर्न अबाउट की कैलकुलेशन कैसी करनी है। ठीक है, एनीवे चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो ऐसे दे दिया है, अब देखो मैंने क्या कहा था, ये थीटा है, ठीक है, तो मतलब ये वाला क्या है, अल्फा है, राइट। सो अब देखो इस तरीके से यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ गए हैं आपके पास, एमवी 2mv, एमवी बाय 2, एमवी बाय 3। लेट्स चेक कि आंसर अपना आता क्या है। ठीक है, लेट्स चेक कि आंसर अपना आता क्या है। द वैल्यू ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड बाय वॉल ऑन द बॉल विल बी। इम्पल्स हमें नहीं आता है, इम्पल्स हम नहीं मान करेंगे, इम्पल्स को सॉल्व ही नहीं करेंगे, हम सॉल्व करेंगे चेंज इन मोमेंटम। ओके, चेंज इन मोमेंटम करेंगे, इम्पल्स हमको नहीं करना है, हमारी मर्जी। ठीक है, सो चेंज इन मोमेंटम हो क्या रहा है यहाँ पे, चेंज इन मोमेंटम बोलता क्या है, 2mv साइन अल्फा। ठीक है, ये अपना क्या है, फॉर्मूला है। अब आप क्या करो, दैट इज 2mv एज ही रहने दो, साइन अल्फा क्या है, साइन 60। ठीक है, साइन 60 होता क्या है, सॉरी एक चीज यहाँ पे ये हो गई कि जो ये कंपोनेंट है, ठीक है, ये कंपोनेंट, सो ये ध्यान रखना कि ये कंपोनेंट अपना क्या आ जाएगा, दैट इज 2mv cos थीटा। ठीक है, cos अल्फा या cos थीटा। सो साइन अगर लिख दोगे, देखो ये है ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सो मतलब ये क्या हो जाएगा, cos अल्फा। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है, चलो। तो अब आपने करना क्या है, यहां पे आप चेंज कर सकते हो, दैट इज 2mv, इसको इस तरीके से लिखो, 2mv cos अल्फा। सो 2mv एज इट इज है cos 60 हो गया। ठीक है, अब आप सभी को बताएं कि cos 60 क्या होता है, 1/2, राइट, हाफ। तो हम क्या लिख देंगे, 2mv cos, इस तरीके से 2mv दैट इज cos 60 इंटू 1/2, 2 गेट्स कैंसल, अपना आंसर आ गया mv। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, a। ठीक है, mv विल बी योर आंसर। सो डेल्टा p क्या है अपना, यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम आ गया mv, और यही हमारा क्या है,
इम्पल्स, राइट बच्चों, यही हमारा क्या है, इम्पल्स, ठीक है। सो आई होप किसी को दिक्कत परेशानी बिल्कुल इसमें नहीं हुई होगी। तो आगे बढ़े, चलो तो आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं ऑफ दिस सेशन। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, अब ये क्वेश्चन भी आया है 2006 में, ठीक है, 2006 में ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है यहाँ पे कि दैट इज अ 0.5 kg यू नो बॉल मूविंग विथ स्पीड ऑफ 12 meters per second स्ट्राइक्स अ बॉल हार्ड वॉल एट एंगल ऑफ 30, ठीक है, विद द वॉल इट इज रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड एट द सेम एंगल, राइट, सेम स्पीड एंड द सेम एंगल इफ द बॉल इज कॉन्टैक्ट विद द वॉल फॉर टी दे दिया है यहाँ पे, ठीक है, एंड द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन इट, एवरेज फोर्स पूछ रहा है, ठीक है, गिवन क्या क्या है वो लिख लो, ठीक है, गिवन है हमें, देखो गिवन दे दिया है मास की वैल्यू 0.5 kg, ठीक है, और हमें दे दिया है वेलोसिटी 12 meters per second, राइट, थीटा की वैल्यू दे दी है भाई 30, ठीक है, एंड इट रिफ्लेक्टस बैक, रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है, इसका भी अभी हम फ्री बॉडी डायग्राम जरूर बनाएंगे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड बैक एट द सेम एंगल, सेम एंगल से आ रहा है, ठीक है, इफ द बॉल इज कॉन्टैक्ट विद द वॉल फॉर टी दैट इज 0.25, ठीक है, 0.25, फाइंड हमें क्या करना है, एवरेज फोर्स। तो हमें ये तो पता है इम्पल्स क्या होता है, एवरेज फोर्स इंटू टी, और इम्पल्स होता क्या है, इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, देखो होता है ना, इम्पल्स अपना है दैट इज डेल्टा एफ इंटू टी, ठीक है, और डेल्टा एफ इंटू टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। पहले फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते बच्चों कि होता क्या है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो बोल क्या रहा है कि ऐसे वॉल है, ठीक है, इस तरीके से वॉल है, आप लोगों को दिख रहा है या नहीं आई डोंट नो, ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है कि एक बॉल है उसका मास m है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्राइक किया, ठीक है, स्ट्राइक किया विथ द एंगल, विथ सम एंगल, सो एंगल है यहाँ पे 30, और सेम एंगल से वो क्या हो रहा है, वापस आ जा रहा है, ठीक है, सेम एंगल से आ जा रहा है, तो है हो क्या रहा है बेसिकली यहाँ पे सेम। तो अब ये तो हमें आपको, आप लोगों को समझ गया कि एग्जैक्टली सीन क्या है यहाँ पे, ठीक है, ये तो आप सभी को समझ ही गया। तो अब सॉल्व कैसे करोगे, चेंज इन मोमेंटम फाइंड करोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, सो चेंज इन मोमेंटम फाइंड करने के लिए, अब देखो फॉर्मूला मैंने बताया था ना क्या था, दैट इज चेंज इन मोमेंटम दैट इज 2mv sin थीटा, देखो ये क्या है, ये वाला कॉम्पोनेंट ले रहा है ना साइन थीटा, तो हो क्या गया 2 into m, कितना दिया है 0.5, v दे दिया है 12, एंड साइन 30 कितना होता है हाफ, दिस 2 गेट्स कैंसल, और आपको बच कितना रहा है, देखो 0.5 into 12, तो ये क्या हो गया 6, ठीक है, सो ओपी की वैल्यू चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू ये आ गई, ठीक है, 6 आ गई। अब आपको करना क्या है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, तो kg meter per second, ठीक है, ये हो गया अपना आंसर। अब डेल्टा पी तो मिल गया, अब हमें फाइंड क्या करना है, डेल्टा एफ, अपना क्वेश्चन पूछ रहा है कि डेल्टा एफ को फाइंड करना है, ठीक है, तो डेल्टा एफ को कैसे करोगे, दैट इज डेल्टा एफ इंटू टी इक्वल्स टू डेल्टा पी, ठीक है, ये 6 है अपना, टाइम दे रखा है, तो मतलब डेल्टा एफ क्या हो जाएगा, डेल्टा एफ हो जाएगा डेल्टा पी डिवाइडेड बाय टी। सो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेल्टा पी अपना आ गया 6 डिवाइडेड बाय 0.25, ठीक है, कैलकुलेट करो और उसका आंसर करो, कैलकुलेट करोगे तो कितना आंसर आएगा, 24 न्यूटन, राइट, सो ये रहा अपना आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप सभी को
ये क्वेश्चन बढ़िया से समझा होगा। अभी तक क्वेश्चन नहीं समझा है तो मैं बता दूं कि बोल रहा है कि 0.5 केजी का बॉल मूव कर रहा है वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड से, रिफ्लेक्ट्स बैक, ठीक है, और सेम एंगल से रिफ्लेक्ट्स बैक कर रहा है, तो हमें फाइंड करना है एवरेज फोर्स। हम सभी को पता है कि एवरेज फोर्स होता क्या है। सो अब देखो क्या है, इम्पल्स इक्वल्स टू एवरेज फोर्स इंटू टी। तो हम पहले चेंज इन मोमेंटम कर लेंगे क्योंकि इम्पल्स हमारे बस की बात नहीं है। तो चेंज इन मोमेंटम कर लिया तो हमें मिल गया दैट इज डेल्टा एफ डॉट टी, ठीक है, मतलब उसी की वैल्यू हो गई, तो चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू आ गई और हमने पुट करके अपना डेल्टा एफ फाइंड कर लिया। चाहे कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, बोथ आर द सेम थिंग, राइट। सो आई होप सभी को ये समझा होगा। सो इसी के साथ सेशन को क्या करते हैं एंड जाने से पहले डेफिनेटली बच्चों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल, और ऐसे ही बढ़िया क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ आते रहेंगे। सो फॉर टुडे बाय बाय माय नीट फाइटर्स, टेक केयर एंड लेट्स मीट इन अनदर सेशन, अमेजिंग सेशन। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।